हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम टॉपिक डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एक टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिया, उसका लिंक यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना, या इससे पहले आ गया होगा। ठीक है जी, तो लिंक जो है वहाँ पर मिल जाएगा। टॉपिक जो है डिटेल के साथ करना, उसमें से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पर देखना ये दोनों सेम रहेंगे, और ये एक्स है तो यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर भी एक्स आएगा। ठीक है, जब भी ऐसे क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो जाएं, ये बादल से बनने स्टार्ट हो जाएं, तो समझ लेना ये कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर ये दोनों सेम होंगे, ये याद रख लेना, और यहां पर ये जो यहां पर पड़ा होगा, यहां पर ये फंक्शन ऑफ दिस होगा। ठीक है जी, और ये भी सेम फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और यहां पर कोफिशियंट क्या होगा, हमेशा ही वन होगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं, यहां पर डिग्री जो है वन रहती है, तो यहां पर डिग्री क्या है, वन। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी यहां पर वन रहता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे अगर मैं बात करूं आज की, तो ये आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट दे रखा होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट बन जाती है। एग्जैक्ट बनने का मतलब होता है इंटीग्रेबल होना। ठीक है, अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऑन बोथ साइड, तो ये दोनों साइड डिफरेंशिएशन कम्स टू इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, सिंपली आपने वाई का कोफिशियंट निकालना है, उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, दैट इज PxDx। अब जब इंटीग्रेशन होगी तो आपने उसके बाद क्या करना है, ई रेस टू पार में उसका आंसर लिख देना है। ठीक है जी, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाई चांस ई की पावर में लॉग ऑफ फंक्शन आ जाता है कुछ ऐसा, तो ई एंड लॉग कट जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाता है f(x)। ठीक है जी, ये बात जो है आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या है, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका सोल्यूशन की बात, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं, इस टॉपिक से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक से पूछ लेते हैं आपको इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लेना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपने निकाल लिया, तो आपने क्या करना है, वाई के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन अगेन करनी है, दूसरी टाइम करनी है, किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने यहां पर राइट कर देना है, साथ में ये जो इक्वेलिटी में लिखा होगा दैट इज Q(x), उसको मल्टीप्लाई करके उसकी इंटीग्रेशन सोल्व कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, और मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन निकालने से पहले ही क्वेश्चन हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सोल्यूशन निकालने से पहले ही हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, IF निकालना है। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर डिग्री क्या है, वन है, और ऑर्डर क्या है, वन है। तो ये यहाँ पर ये देखना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या बन रही है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू पार इंटीग्रेशन, आपने वाई को छोड़ देना, यहाँ पर जो वाई है इसको आपने लीव कर देना है, यहां पर मैं रेड ले लेता हूं, इस वाई को आपने लीव कर देना है, और ये जो बचेगा इसकी आपने क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस के कोट एक्स की आपने इंटीग्रेशन करनी है, माइनस के कोट एक्स dx। अगर यहां पर dx है, यहां पर dx है, तो यहां पर dx आएगा।
अगर बाई चांस यहां पर डी टी होता तो यहां पर मैंने डी टी लिख देना था, ठीक है जी। तो यहां पर देखना ये मेरे पास डी एक्स आ गया माइनस के कोट, यहां पर एक फंक्शन इंटीग्रेशन हमने की नहीं हुई, तो अगर इंटीग्रेशन नहीं की हुई तो ये वाला फॉर्मूला मत भूलना कभी भी, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो तो आपने सिंपली क्या करना है, लॉग मोड फंक्शन या लॉग फंक्शन ही लिख देना, सफिशेंट है। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी, क्या है, वन बाई एफ ऑफ एक्स और साथ में क्या आ जाए, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है बहुत बार यूज होता है, तो मैंने यहां पर राइट कर दिया। यहां पर देखना थोड़ा सा इसको समझते हैं, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन, यहां पर देखना माइनस के कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूं, और यहां पर अगर डी एक्स लिखूं तो ध्यान से देखना फंक्शन एंड साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, वन अपॉन फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहां पर थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ये माइनस को आपको बाहर रखना पड़ेगा, है ना। डेरिवेटिव जो है वो सिंपली इतना ही है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली कोस। तो यहां पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बोलूं तो ई माइनस मैं बाहर निकाल लूंगा और बाकी का लॉग साइन एक्स है ही। अब देखो ये माइनस जो है, ये माइनस जो था इसको मैं पावर में लेके जा रहा हूं, अगर मैं माइनस को पावर में लेके गया तो यहां पर क्या हो गया, साइन एक्स रेस टू पावर माइनस वन, लॉग एंड ई कट गए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, साइन एक्स की होल पावर माइनस वन, दैट इज वन अपॉन साइन एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोसेकेंड एक्स होता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इंटीग्रेशन में मैंने टाइम लगाया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बट डेफिनेटली आपको टाइम नहीं लगेगा, आई नो ये तो मुझे पता है आपको टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर देखना, यहां पर थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे बिहेव कर रहा है, बट यहां पर ये कोफिशियंट क्या है, वन नहीं है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है मैं इसको डिवाइड करूंगा नीचे, और मुझे क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर मैं देखता हूं क्या बनता है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स के साथ डिवाइड में लिखूंगा वन बाय वाई लॉग ऑफ वाई, सामने आ गया लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई प्लस वाई इंटू लॉग ऑफ वाई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ हमने जो मल्टीप्लाई में था सभी को डिवाइड कर दिया, तो सभी को डिवाइड करने से ये मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, लोग वाई कट गया, इसको तो मैंने क्या ही करना है। यहां पर देखना एक्स और ये एक्स, ये दोनों सेम हो रहे हैं और ये सारे सेम हो रहे हैं, सारे सेम हो रहे हैं, तो यहां पर क्या बन रहा है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली क्या है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रेशन और ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई, साथ में आ गया वन अपॉन लॉग ऑफ वाई और साथ में आ गया डी वाई, सही है जी, इतना आ गया। यहां पर देखना ये मेरे पास वन अपॉन फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो डायरेक्टली आपको पता चल गया होगा ये क्या बन गया ई, और इस पे लोग एक और लगेगा, क्या होता है जो फंक्शन है उसका लोग एक और आ जाता है, तो लोग और लोग एक तो इंटीग्रेशन का एक लोग ऑलरेडी था तो ये दो लोग आ गए, ठीक है जी। ई एंड लोग मेरे पास कट गया है, ई एंड लोग अगर कट जाए तो यहां पर क्या बन जाता है, लोग वाई बच जाता है, और उन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर भी सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और यहां पर ये वाई एंड ये वाई दोनों सेम है, ये फंक्शन ऑफ एक्स देन अगेन फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास वाई के साथ जो पड़ा हुआ है वो क्या है, वन बाय एक्स है, ठीक है जी।
तो इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन 1x dx दैट इज ई रेस टू पावर लोग एक्स, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 बाई एक्स का लोग एक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या कट गया, एक्स इज का आंसर आ गया, तो सेकंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात बताऊं तो यहां पर अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और मेरे पास क्या है सीकेंड एक्स, है ना। यहां पर देखना है, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपके पास सेम है, तो यहां पर क्लाउड्स भी वैसे ही बन रहे हैं, तो यहां पर सीकेंड ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स की करनी है, ठीक है जी। सीकेंड एक्स की क्या होती है, ई रेस टू पावर लोग मोड सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है जी, ये होती है, ये याद कर लेना, लोग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। इसका डेरिवेटिव करके देख लो, लोग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव करके देख लेना, वो और कुछ नहीं आएगा, वही सीकेंड ही आएगा, ठीक है जी, करके देख लेना डेरिवेटिव। तो ई एंड लोग अगर मैं कट कर दूं तो ये मेरे पास सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स आ जाता है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, यहां पर आज क्या पूछ लिया, सॉल्यूशन पूछ लिया, मतलब पूरे का पूरा आंसर बताना है। तो है क्या है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चेक करना सेम चीज बन रही है। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर मैं बताऊं तो ई रेस टू पावर पी डी एक्स, मतलब ये मेरे पास पी है, तो टेन एक्स डी एक्स, और टेन को अगर मैं थोड़ा सही करके लिखूं तो ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन, टेन को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, सही है जी। अगर मेरे मेरे से कोई मिस्टेक भी हो जाए तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसको ज्यादा इशू मत बनाना, गलत करवा दिया ऐसा कुछ, तो कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, प्लस माइनस का कोई साइन रह गया तो उसको थोड़ा देख लेना। तो यहां पर देखना कोस का ऊपर डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, तो बनाने के लिए एक मैं माइनस अंदर रख देता हूँ, एक बाहर रख देता हूँ। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साथ में क्या आ गया, लोग मोड कोस एक्स, मोड लगाओ या ना लगाओ कोई चक्कर नहीं है, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां पर पावर माइनस वन आ जाएगी, लोग एंड ई कट गया, ये मेरे पास क्या आ गया 1 बाई एक्स, 1 बाई कोस एक्स मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेशन जो थी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन था वाई वाई साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज कोस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 बाई कोस एक्स मल्टीप्लाई क्यू। क्यू क्या है, आज क्यू है हमारे पास सीकेंड एक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं वाई अपॉन कोस एक्स इक्वल टू, ऊपर देखना इसको भी मैं 1 बाई कोस को सीकेंड लिख सकता हूं, अगर मैंने लिख लिया तो सीकेंड इंटू सीकेंड क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स, यहां पर लिख लेना, और माइनस के कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस के उसकी होती है कोट एक्स, ठीक है जी, ये भी राइट कर लेना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ गया, इसका आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया टेन एक्स, और प्लस में एक सी जरूर आता है। कोस को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो वाई इज इक्वल टू टेन से कोस मल्टीप्लाई होगा, साइन अपॉन कोस होता है टेन, और एक कोस एक मल्टीप्लाई है, कोस सारे के साथ मल्टीप्लाई है, तो सी के साथ भी कोस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर कोस एंड कोस कट गया, साइन प्लस सी कोस कहां पर है, ये थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और यहां पर अगर शॉर्टकट की मैं बात करूं तो यहां पर देखना सबसे पहले मेरे माइंड में एक चीज आ रही है, जो सी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, कोस मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वाई से उधर लेके आ रहे हैं, तो सी के साथ कोस आएगा, तो यहां से ही मुझे पता चल जाना था आंसर में ये है, ठीक है, आंसर थर्ड ऑप्शन, और इंटीग्रेशन सोल्व करने से बिना भी पता चल जाना था, बिकॉज मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है,
वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स प्लस सी। तो अगर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर आ रहा है तो यहां पर 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेफिनेटली आएगा, तो सी से ही मुझे पता चल रहा था उसका सी ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगेन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इंटीग्रेशन करें, सबसे पहले क्या बोला गया है, सॉल्यूशन बताना है, और ये क्या है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये साथ वाला कोट एक्स डीएक्स, और यहां पर कोट क्या होता है, कोट होता है साइन कोस अपॉन साइन, है ना, कोस अपॉन साइन, साइन की इंटीग्रेशन कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। तो यहां पर लॉग मोड साइन आ जाएगा, लॉग मोड साइन या सिंपल साइन, लॉग एंड ई कट जाएंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां पर आगे सॉल्यूशन लिखना हो तो वाई साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ये वाला क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा साथ में, टू कोस एक्स प्लस सी। अब यहां पर मैं देखूं वाई के साथ क्या आ रहा है, साइन एक्स, तो ये वाई के साथ साइन स्क्वायर भी नहीं आएगा, वाई के साथ कोस स्क्वायर भी नहीं आएगा, वाई के साथ कोस भी नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन राइट ऑप्शन होगी, यहां से ही मुझे क्लियर हो गया। बट फिर भी अगर क्वेश्चन को आगे करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर मैं लिख लूं यहां पर देखना, माइनस मैं यहां पर लगा दिया और माइनस मैंने यहां पर लगा दिया, तो यहां पर और टू मैंने ये वाला कॉमन निकाल के बाहर रख लिया। अब देखो फंक्शन और इसके साथ क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो क्या होता है, अगर फंक्शन एंड फंक्शन के साथ फंक्शन की पार एन और उसका डेरिवेटिव साथ में हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है, फंक्शन की पार हमारे पास इंक्रीज हो जाती है एक से, और सेम पावर को हम डिवाइड कर देते हैं, साथ में सी जरूर लेके आना। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसकी पावर डबल हो जाती है, मतलब एक पावर बढ़ जाएगी, तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2x आएगा, तो 2 2 कट गया, वाई साइन एक्स, ये माइनस के कोस स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस के कोस स्क्वायर। तो ये सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है जी, और फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन थी, सॉरी। नेक्स्ट अगेन सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहां पर क्या है, ये वाई से वाई मैच कर रहा है, एक्स से यहां पर 1 है, कोई बात नहीं, 1 इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और सब कुछ है ना, तो सेम चीज बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अगर यहां पर मैं बात करूं ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1 dx आएगा, बिकॉज यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर 1 की ई रेज टू पावर एक्स आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स आ गया। अब थोड़ी बात, थोड़ा ध्यान से आंसर में लिखेंगे वाई ई रेज टू पावर एक्स, साथ में इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, और साथ में आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है जी, साइन एक्स प्लस सी। अब देखो ध्यान से, थोड़ा अब समझने वाला टॉपिक है। अगर मैं देखूं वाई के साथ मेरे पास क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर एक्स आ रहा है, ठीक है जी, और अगर वाई के साथ ई रेज टू पावर एक्स आ रहा है, तो उधर जाके ये या तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स यहां पर आएगा, ठीक है, अगर नहीं आया तो डेफिनेटली उधर पड़ा हुआ है। यहां पर देखना सी के साथ नहीं आया, 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 तो सी के साथ नहीं आया तो उधर ही पड़ा हुआ है, कहीं उधर ही कहीं पड़ा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो राइट ऑप्शन ना डेफिनेटली यही होगी, राइट ऑप्शन डेफिनेटली यही होगी, ठीक है। मुझे, मैं इतनी श्योरिटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमें क्या है पता चल जाता है, बिकॉज उधर सी के साथ कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो सी के साथ कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसको अगर इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करते हो, इसकी इंटीग्रेशन करने का एक ही मेथड है, तो वो है फॉर्मूला। अगर आपके पास, ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज रहता है, ठीक है जी, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साथ में आता ही आता है फॉर्मूला। अब ये ए एक बार यहां पर लिख देना है, ए जैसे ही आपने लिख दिया साथ में ये लिख दे देना है,
यहां पर कोस भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अप्लाई करना। सबसे पहले यहां तक एज इट इज आना है, यहां तक एज इट इज, साइन एज इट इज आएगा, ठीक है जी, साइन एज इट इज आएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर साइन एज इट इज आ गया, ये साइन बी एक्स एज इट इज आ गया। आगे क्या है, आगे आपने माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का डेरिवेटिव करना होता है। यहां पर देखना कोई मैंने कोई गलती तो नहीं की, नहीं बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। हाँ मेरी गलती पता क्या है, मेरी गलती है यहां पर देखना, यहां पर भी e raised to power x था, तो ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन इसके बीच थी, ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होना है। तो यहां पर क्या है, आगे क्या करना है, एक माइनस का साइन लगाना है। सुन लो यहां तक अब समझ आ गया। सबसे पहले अगर आपके पास e raised to power ax cos x भी आ जाए, cos bx आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, e raised to power x ax as it is, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी आपको पता चल गए हैं, और साथ में क्या करना है, ए इसका कोफिशियंट लगाना है, यहां पर इसका कोफिशियंट जैसे ही आपने लगाया, और ये जो है ये वाला इसका कोफिशियंट, और ये पूरे का पूरा यहां पर, और एक माइनस लगाना है, साथ में क्या कर देना है, इसका साइन बी एक्स का डेरिवेटिव। साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ बी एक्स, और b का क्या होता है, अगेन b, ठीक है, bx का क्या होगा, अगेन b। तो यहां पर अगर a एंड b को मैं 1 पुट कर दूं, a एंड b को मैं क्या कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सी राइट आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। मैंने जब कट किया था तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया यहां पर भी e raised to power x था, तो c के साथ अगर e raised to power x नहीं आ रहा तो डेफिनेटली e raised to power x उधर है, तो ये तीन दोनों पॉसिबल पॉसिबल कैंडिडेट थे। तो और यहां पर साइन क्या आ रहा है, यहां पर चेक करना, नेगेटिव का साइन आ रहा है, नेगेटिव का फर्क आ रहा है, तो नेगेटिव का है, तो ये मेरे पास इसका राइट ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला। फिर भी ये एक सेकंड रुकना, मैं इसका फॉर्मूला थोड़ा और कंफर्म कर लूं। हाँ जी, तो बिल्कुल सही था फॉर्मूला जो मैंने बताया, यहां पर नेगेटिव आना है, और साथ में आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर अगर कोस है तो कोस का डेरिवेटिव, और जो साइन चेंज होगा वो तो होगा ही, कोस साइन है तो साइन का डेरिवेटिव, ठीक है जी। यहाँ पर अपनी ओर से आपने एक नेगेटिव लगाना है, अगर साइन है तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, अगर कोस है तो यहाँ पर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आपने नहीं भूलना, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर ए एंड बी को वन पुट कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखना, अगर ए एंड बी को वन पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा, और ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन बन रहा है, सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी, साइन माइनस कोस। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो भी सोल्यूशन बताना है आपने सिंपली। तो यहाँ पर ना थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो सबसे पहले ये डी एक्स को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, और डी वाई को नीचे, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स उधर जाके क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई, देखते हैं आगे क्या बनता है, एक्स प्लस टू वाई क्यूब, और उधर जाके क्या बन गया, वाई, ध्यान से सुनना, उधर जाके क्या बन गया, वाई डी एक्स बाई डी वाई। अब आगे फर्दर वाई को डिवाइड करना है, कोफिशेंट वन करना होता है ना, तो वाई को अगर मैं डिवाइड करूं, यहां पर वन बाई वाई आ जाएगा, यहां पर वाई की पावर थ्री से कट के टू बन जाएगी, है ना, तो यहां पर टू बन गया। अब थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, अभी भी थोड़ी सी सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। अगर इसको इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास पता क्या बन गया, मेरे पास बन गया डी एक्स बाई डी वाई माइनस के वन अपॉन वाई, साथ में एक्स, सामने आ गया टू वाई स्क्वायर। अब चेक करो, ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, है ना, तो ये जो है ये बादल वाली फॉर्मेट जरूर बनना चाहिए। इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और फिर ही आपसे होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास, अगर ध्यान से देखो
तो मेरे पास पता क्या बन रहा है, वन बाय वाई जो है पी बन रहा है आपका। तो ई रेस टू पर इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पर डी वाई है तो वाई के साथ इंटीग्रेशन, तो -1 बाय वाई का की इंटीग्रेशन ई रेस टू पार माइनस के वन बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाय वाई की, दैट इज लॉग वाई ई रेस टू पार माइनस लॉग ऑफ वाई। और ये माइनस अगर ऊपर शिफ्ट कर दें तो ई रेस टू पार लॉग वाई रेस टू पार -1, लॉग एंड ई कट जाते हैं, तो 1 बाय वाई इसका आंसर आ गया। आज ऑप्शन में जब सॉल्यूशन लिखेंगे वाई की जगह पे एक्स लिखेंगे, एक्स की जगह पे वाई लिखेंगे, तो एक्स सॉल्यूशन में क्या होता है, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आज क्या आ जाएगा, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 बाय वाई, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन। फिर सेम चीज थोड़ी ध्यान से, आपने 1 बाय वाई लिखना है और सामने ये जो कांस्टेंट, ये जो होता है क्यू ऑफ एक्स और वाई जो भी होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, साथ में यहाँ पर डी वाई प्लस के सी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखूँ तो मुझे ना एक चीज तो पता लग रही है, ये वाई को अगर मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जहां पर भी वाई होगा तो सी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ। और दूसरी बात जो है, इक्वल टू में एक्स चल रहा होगा, इक्वल टू में एक्स चल रहा है वो देख लो कहाँ पर है, एक तो ऑप्शन यहाँ पर है इक्वल, नहीं ये वाली ऑप्शन नहीं है और ये वाली ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सी एक्स लिखा हुआ है, बटाना क्या है सी वाई, यहाँ पर सी वाई स्क्वायर लिखा लिखा हुआ है, बटाना क्या है सी वाई, तो सी वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल टू में एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक आंसर है, देख लेते हैं क्या है। ये वाई से एक वाई मेरा कट गया तो यहां पर देखना 2y बच गया, 2y की इंटीग्रेशन क्या होती है वाई स्क्वायर, ठीक है, या y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये सी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन बन रहा है। बिना प्रॉपर सोल्व किए भी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, बिना प्रॉपर सोल्व किए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो 5 से पेपर मैंने उठाए, उसमें से जो आया तो वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मतलब IF निकालना है, सिंपल IF निकालना है, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, तो 1 बाय x² से अगर डिवाइड करूँ तो यहाँ पर, यहाँ से कट के यहाँ पर 1 बाय x² आ जाएगा और यहाँ पर 1 बाय x² आ जाएगा, और अगर इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंट ई रेस टू पार पी, पी यहां पर पी ऑफ एक्स बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस x², समझ आ रहा है, और साथ में डी एक्स आ जाएगा, ये मेरे पास क्या बन गया, ऊपर बन गया ई रेस टू पार टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय 1 प्लस x², 1 बाय √1 − x² होती है साइन इनवर्स की, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ई रेस टू पार टेन इनवर्स एक्स, मतलब बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने बात करनी है सॉल्यूशन, पहले एक देखना सेम क्वेश्चन में पहले क्या पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है, एक पेपर में पूछ लिया वन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दूसरे में प्रॉपर सॉल्यूशन पूछ लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मेरे पास सेम क्वेश्चन का क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स ई रेस टू पार टेन इनवर्स एक्स, साथ में मैंने वाई लगाना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ई रेस टू पार टेन इनवर्स एक्स, और सामने ये टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस x² आएगा बिकॉज ये वाला मैंने डिवाइड किया था, तो साथ में डी एक्स और प्लस के सी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगर वाई के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पड़ा हुआ है तो सी अकेला आएगा, तो वाई के साथ यहाँ पर पड़ा हुआ है तो सी अकेला आएगा, तो ये ए ऑप्शन पॉसिबल कैंडिडेट है, बाद में देखेंगे आएगा या नहीं आएगा। फिर अगर मैं देखूं तो एक्स तो नहीं आएगा इक्वल टू में, इक्वल टू में कभी भी एक्स तो नहीं आएगा, सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यहां पर अगर वाई लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहां पर वाई लिखा हुआ है तो
उधर सी के साथ ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स का नेगेटिव का आना चाहिए, बट वो भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। फिर यहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू में, वो तो चीज ही पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत है। तो गलत ऑप्शन पहचानने का विदाउट सॉल्विंग इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन सोल्व भी नहीं की और इसकी इंटीग्रेशन नहीं सोल्व की अभी, और यहां से ही देख लिया भाई आंसर क्या बन रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। आप करके बताना जो मैंने बताया वो सही है या नहीं है। अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो सिंपली क्या करो, इसको सब्सिट्यूट कर दो टी, अगर इसको सब्सिट्यूट टी कर दोगे और यहां पर भी टी आ जाएगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी इंटू टी, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है ई रेस टू पावर टी टी माइनस वन, इसकी इंटीग्रेशन होती है। टी की जगह पे टेन इनवर्स एक्स पुट कर देना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है, वन माइनस टी होगी, मैंने टी माइनस वन लिख दी, वन माइनस टी होगी जो भी, ठीक है, चेक कर लेना। तो ए ऑप्शन डेफिनेटली राइट ऑप्शन बनेगी, मैंने सोल्व भी नहीं किया तो डायरेक्टली आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, सोल्यूशन बताना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर देखूँ तो इसको इसके साथ डिवाइड करूँगा तो माइनस के वन अपॉन साइन टू एक्स से डिवाइड हो रहा है ना, किससे डिवाइड हो रहा है, साइन टू एक्स से। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, ईजी करने की कोशिश करता हूँ, तो कैसे ईजी पॉसिबल है, ठीक है जी, कैसे इजी पॉसिबल है आप चेक करो, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन साइन टू एक्स है, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहले यहां पर देखना ये वाला फॉर्मूला याद करना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट ए एक्स, अगर कोसेकेंट ए एक्स है तो इसकी होती है माइनस के लॉग मोड कोसेकेंट एक्स कोसेकेंट ए एक्स प्लस कोट ए एक्स और डिवाइडेड बाय ए, ये डिवाइडेड बाय ए भी आता है, ठीक है जी, ये बात जो है आपने ध्यान रखनी है। यहां पर क्या है, ई रेस टू पार इंटीग्रेशन, अगर मैं यहां पर देखूं तो ई रेस टू पार माइनस वन बाहर, इंटीग्रेशन माइनस के इंटीग्रेशन आ गई कोसेकेंट कोसेकेंट क्या हो गया कोसेकेंट टू एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनी, इसकी इंटीग्रेशन बनी ई रेस टू पावर माइनस के लॉग कोसेकेंट टू एक्स प्लस कोट टू एक्स अपॉन में टू, यहां पर वन बाय टू, और एक माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक तो फॉर्मूले का माइनस है, एक बाहर से पहले ही है तो वो प्लस हो गया, ठीक है जी, एक बाहर का था एक अंदर का था तो वो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखना ये वन बाई टू को अगर मैं यहाँ पर पावर में शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरे पास लॉग एंड ई कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अगर आगे देखें तो इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर रूट, ये लॉग एंड ई कट गया, तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मोड, यहां पर करेंगे आगे कोसेकेंट, यहां पर देखना कोसेकेंट टू एक्स, है ना, रुको, कोसेकेंट टू एक्स को लिख सकता हूं वन अपॉन साइन टू एक्स, और कोट को लिख सकता हूं कोस अपॉन कोस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स, ठीक है जी, साइन टू एक्स यहां पर एलसीएम में आ रहा है, साइन टू एक्स ऊपर आ गया वन प्लस कोस टू एक्स, वन प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टू कोस स्क्वायर टू एक्स अपॉन टू साइन टू एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले कभी भी ना भूलना, वन प्लस कोस डबल थीटा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो ऑलवेज कोस आएगा, वन माइनस यहां पर देखना आगे वन माइनस कोस टू एक्स टू थीटे का फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या है नेगेटिव है तो साइन आएगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूले कभी भी ना भूलना,
बिकॉज ये पेपर में डेफिनेटली इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको डेरिवेटिव में भी बताए थे फॉर्मूले, और तब भी बोला था ये फॉर्मूले कभी भी ना भूलना। यहाँ पर 2 and 2 कट गया, स्क्वायर का 1 पावर यहाँ से कट गई, ये स्क्वायर की 1 पावर यहाँ से कट गई इसके साथ, और ये बन गया स्क्वायर रूट कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, मीन्स टू से स्क्वायर रूट कोट एक्स बन गया, है ना। अब आगे देखें, ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज किया जाता है, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं सॉल्यूशन के लिए यूज करूंगा। यहाँ पर थोड़ा स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर करेंगे ई रेस वाई इंटू स्क्वायर रूट कोट एक्स इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखना ये टेन एक्स था और साइन टू एक्स से डिवाइड किया था, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, दैट इज कोट एक्स का मोड स्क्वायर रूट, और साथ में आ जाएगा टेन एक्स अपॉन साइन टू एक्स, है ना, अपॉन साइन ऑफ टू एक्स मत भूलना, डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखूं तो अगर कोट को इधर भेज दूं तो कोट 1 by cot होता है टेन, तो टेन बन जाएगा, तो 1 by cot c के साथ आएगा तो टेन बन जाएगा, 1 by cot c के साथ आएगा तो टेन बन जाएगा, और यही इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और किसी के साथ टेन नहीं आ रहा, चेक करना, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, और ये एक्स वाई कभी भी एक साथ नहीं होते, ये एक्स वाई कभी भी प्रोडक्ट में नहीं आते, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगी, फिर भी हम चेक कर लेते हैं आगे क्या करना है। आगे इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करनी है, है ना। यहाँ पर देखना, ये स्क्वायर रूट कोट एक्स क्या होता है, 1 upon square root 10x। अब अगर ध्यान से देखें तो 10x की पावर 1/2 बच गई ऊपर, है ना, नीचे से डिवाइड होके 10 की पावर बच गई 1/2। ठीक है, साइन को अगर मैं लिखूं तो साइन को क्या लिख सकता हूं, 2 sin x cos x लिख सकता हूं, है ना, 2 sin x cos x लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा इसको और सोल्व करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो tan को अगर मैं sin by cos लिखूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है और क्या बन जाएगा, ये ऊपर है, ऊपर था हमारे पास tan x, है ना, ऊपर था tan x। अगर tan x को मैं थोड़ा सोल्व करूँ तो क्या बनेगा, टेन एक्स था या टेन टू एक्स था, टेन एक्स ही था ना, हाँ जी, स्क्वायर रूट कोट एक्स, फिर आ गया था स्क्वायर टेन एक्स। ठीक है जी, स्क्वायर रूट टेन एक्स, और यहाँ पर मेरे पास है साइन अपॉन कोस, है ना। अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं टेन टेन ही बना लेता हूँ सभी जगह पे, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर देखना साइन को अगर टेन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोस से डिवाइड, कोस से मल्टीप्लाई, कोस एक्स, ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया 1/2 में, है ना, 1/2 में ये कोस स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये भी सही है, तो 1/2 में यहाँ पर टेन बन गया, ये टेन बन गया। अब देखें तो टेन की पावर नीचे स्क्वायर रूट 2 बन रही है ना, ये बन गया टेन, 2 tan साथ में आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है जी, और ये कट गया, ये होता है सीकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये सीकेंड स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से, अगर मैं आपको पूछूं तो क्या है हमारे पास, ये मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 1 upon square root 2x। अगर मेरे पास ऐसे हो तो ये इंटीग्रेशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, एफ ऑफ डैश एक्स अगर पावर 1/2 हो, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2 हो, इसका डेरिवेटिव करो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, यही बनेगा जो लिखा हुआ है, ये वाला, यही इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, ये वाली। यहां पर देखो, यहां पर टेन एक्स लिखा हुआ है, ऊपर सीकेंट स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 भी पड़ा हुआ है,
तो इसकी सारे की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सिंपल स्क्वायर रूट में टेन एक्स। तो इस सारे की इंटीग्रेशन क्या आ रही है, स्क्वायर रूट टू टेन एक्स। और अगर मैं ये कोट एक्स को 1/10x लिख लूं तो ये इधर आके 10x बन जाएगा और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन थी। क्वेश्चन थोड़ा टफ था बट हाँ किया जा सकता है, पेपर में आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है। तो साइन एक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, मेरी ड्राइव का, वहाँ से आप मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के फोर्थ जो है, फोर्थ डिफरेंशियल लिखा हुआ है, फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो वाली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, तो यहां पर देखना ये कोस एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर बन गया टेन और यहां पर 1/cos। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है तो साइन अपॉन कोस की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, ई रेस टू पावर एक्स करना है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस होता है तो यहां पर माइनस का फर्क है, ये मैं माइनस लगा देता हूं, ये आ गया लॉग कोस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आ गई लॉग कोस एक्स। ये माइनस उधर पहुंच गया तो ये माइनस 1/ हो गया, तो ये लॉग एंड कट गया, 1/cos x आ रहा है, दैट इज सीकेंड एक्स। ठीक है जी, ये थोड़ी मैंने स्पीड में किया है क्वेश्चन तो, बट इम्पोर्टेंट था तो कर लेना। ये सोल्यूशन बताना है, फुल्ली सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले यहां पर देखूं तो मेरे पास ये 2 बन रहा है, ई रेस टू पर इंटीग्रेशन 2x, 2 सिंपल 2 है ना, तो ई रेस टू पर 2x इसकी इंटीग्रेशन आ गई, वाई के साथ ई रेस टू पर 2x आएगा, यहां पर इंटीग्रेशन आएगी ई रेस टू पर 2x, और साथ में आ गया मेरे पास साइन एक्स, साथ में साइन एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, सी आ गया। अब मुझे एक बात पता है भाई, अगर ई रेस टू पावर 2x यहां पर है नहीं है, अगर नहीं है तो सी के साथ आएगा, और सी के साथ यहां पर ई रेस टू पावर माइनस एक्स दे रखा है तो ये तो गलत है, आना तो 2 है, ये माइनस क्यों आएगा फिर, यहां पर भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो ये सभी पॉसिबल हैं, बाद में देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको सिखाई थी, ई रेस टू पावर 2x एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग, सही है, स्क्वायरिंग एडिंग कोफिशियंट, मतलब साइन एक्स था तो यहां पर साइन का कोफिशियंट 1 है, एक्स का कोफिशियंट यहां पर था 2, तो स्क्वायरिंग एडिंग आनी है। और साथ में अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू करना है, ये वाला कांस्टेंट यहां पर आ जाता है 2, ये वाला फंक्शन यहां पर आ जाता है, माइनस के साइन का डेरिवेटिव होता है दैट इज कोस एक्स। ठीक है जी, देख लो किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे भी जैसे ही मैंने 1/5 लिखा था मेरे माइंड में चल ही गया था भी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पेपर में आपको ये ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, प्रॉपर क्वेश्चन सोल्व करोगे फिर क्वेश्चन सोल्व ही करते रह जाओगे फिर कभी, चलो छोड़ो बोल ऐसे गलत नहीं मैं बोल रहा, बट हाँ पेपर में ज्यादा सोल्व करोगे तो आपकी मेरिट नीचे चली जाएगी, ज्यादा सोल्व नहीं करना, कम सोल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालना है। यहां पर वाई का कोफिशियंट 1/x है तो उसकी इंटीग्रेशन करें ई रेस टू पावर लॉग एक्स, तो ई एंड लॉग कट गया, एक्स आ गया हमारे पास, तो ये ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन इजी आ जाता है, कभी कभी होता है टफ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर इन्होंने पूछा गया, सिंपली पूछा गया इसका क्या सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन आता है या नहीं आता, ये कुछ बात है, और इसको थोड़ा सा यहां पर सबसे पहले सही करेंगे। सही कैसे करेंगे, डायरेक्टली इसका सोल्यूशन निकाल दो, निकल रहा है ये, और ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये गलती से सम इसमें आ गया। अगर वैसे ही इसको सोल्व करना है तो dx y और dy वेरिएबल सेपरेट कर दो, y माइनस वन कर दो, ये 1 उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, और ये y को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये y को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, ये dy उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये dy उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x, इंटीग्रेशन करेंगे 1 यहाँ पर 1
अभी इंटीग्रेशन करनी है, ये अगर इसको सोल्व करें तो ये पता क्या बनेंगे, 1 - 1/y, है ना। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखना वाई इंटीग्रेशन आ गई, माइनस लॉग ऑफ वाई इसकी इंटीग्रेशन आ गई, प्लस के सी है, अभी तक सी है। और अगर वाई एक्स में जीरो पुट करके उसका आंसर लिखा जाए, एक्स में क्या पुट करना है, जीरो। अरे भाई ये क्या हो गया, अगर एक्स में जीरो पुट किया जाए और वाई में वन पुट किया जाए तो सी का आंसर क्या आएगा। हे भगवान, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्स जीरो अगर पुट कर दिया तो ये तो नहीं, मेरी मेरी मिस्टेक है क्या, मैंने गलत लिखा है क्या, चेक करना। यही था सिंपल, यही था, डीएक्स ही यहां पर है, 1/x क्यों आएगी, उसकी इंटीग्रेशन डीएक्स है तो सिंपल उसकी इंटीग्रेशन एक्स आ गई। और अगर एक्स को जीरो पुट कर दूं, एक्स को जीरो पुट कर दूं तो यहां पर जीरो आ जाएगा, वाई को वन पुट कर दूं, वाई को वन पुट कर दिया, माइनस लोग वन दैट इज जीरो, तो सी का आंसर जो आ रहा है वो मेरे पास, सी का आंसर अगर कैलकुलेट करें सी की जगह पे मेरे पास वन आ रहा है। तो सोल्यूशन तो है और यूनिक भी है, सोल्यूशन है भाई, यूनिक भी है, दो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूशन है, यूनिक भी है, चेक कर लेना फिर भी। ठीक है, यहां पर नो सोल्यूशन, पता नहीं किसने टिक किया हुआ है, जिसने क्वेश्चन भेजा होगा उसने टिक किया होगा, तो नो सोल्यूशन तो बिल्कुल गलत है, फिर भी आप चेक कर लेना। सी का आंसर जो है वन आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, सी का आंसर माइनस वन आ रहा है। और अगर इसमें मैं सी की जगह पे माइनस वन पुट कर दूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, वैसे भी सिंगल सोल्यूशन ही आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो सिंगल यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो यही है। ठीक है, यही यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है जी, फिर भी चेक करके मुझे बता देना अगर कोई मेरी मिस्टेक हो। यहां पर देखना ये वही क्वेश्चन है आई थिंक, इसको थोड़ा चेंजेस कर दिया। क्या पूछा गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया, टेन है। अरे यार टेन टू का याद कर लो, ई रेस टू पार इंटीग्रेशन टेन एक्स का याद ही कर लो, ई रेस टू पार, और माइनस एक देना पड़ेगा, माइनस के साइन एक्स और कोस एक्स, तो 1 / cos x आ जाता है, तो सीकेंड एक्स होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये याद कर लो, टेन टू छोटे छोटे याद कर लो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। और बेटा अगर आपको अच्छा लगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, कर भला हो भला, अगर किसी का भला कर दोगे तो पॉसिबल है उस, अगर किसी का भी एक क्वेश्चन आपकी वजह से ऐड हो गया मेरिट में तो क्या पता उसका बेनिफिट बाई चांस आपको भी मिल जाए दुआओं के रूप में। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।